सरकार का दावा है कि जो सपा के माफिया थे उन्होंने अपने फायदे के लिए अकबर नगर में अवैध बस्ती बसा दिया था, जहाँ पे बांग्लादेशी और घुसपैठिए जो है रोहिंग्या जो थे वो अवैध तरीके से रह रहे थे, और इसी के तहत सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहाँ से बकायदा एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये फैसला हुआ कि जो लोग इन मकानों में रह रहे थे उनको सरकार बकायदा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो आवास भी दे रही है, यानी कि जो लोग इस इन इलाकों में थे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकानों में शिफ्ट किया जाएगा। लखनऊ के अकबर नगर में ध्वस्तीकरण का फेज टू आज भी जारी है। दरअसल पूरे अकबर नगर को साफ करना है और इसी लिहाज से जो फेज टू का कार्यक्रम यानी फेज वन में जो घर थे उनको ध्वस्त किया गया है, जो अवैध निर्माण थे उनको ध्वस्त किया गया है, और फेज टू में एक कार्रवाई जो है अब जारी है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात बुलडोजर आपको यहाँ पर दिखेंगे जो लगातार जो अवैध निर्माण है उनको गिराने का काम कर रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि योगी सरकार जो पूरा अकबर नगर है जो अवैध कॉलोनी थी उसका ध्वस्तीकरण कर यहाँ पे निर्माण कराएगी। यहाँ पर जो अवैध मकान और कमर्शियल प्रतिष्ठान थे उन सबको ध्वस्त कर इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाने की कोशिश कर रही होगी सरकार। इसके लिए जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सरकार का दावा है कि जो सपा के माफिया थे उन्होंने अपने फायदे के लिए अकबर नगर में अवैध बस्ती बसा दिया था, जहां पे बांग्लादेशी और घुसपैठिए जो है रोहिंग्या जो थे वो अवैध तरीके से रह रहे थे, और इसी के तहत सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहां से बकायदा एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये फैसला हुआ कि जो भी अवैध निर्माण इस इलाके में है, जहां पे इको टूरिज्म हब बनाना है, एक पार्क बनाना है जहां पर, और नाइट सफारी की व्यवस्था करनी है, यानी इस एरिया को डेवलप करने का जो प्रोसेस है उसको शुरू किया जाएगा, और इसी के तहत जो है ये कार्रवाइयां चल रही है। एक बार तस्वीरें आपको सड़क की दूसरी पार दिखाते हैं। दूसरे पार भी बहुत सारे निर्माण थे जिनको पहले फेज के तहत जो है ध्वस्तीकरण किया गया है। अब सेकेंड फेज की कार्रवाई जो है वो चल रही है, यानी कि करीब 1800 जो मकान इन दोनों फेज में थे उनको हटाने की प्रक्रिया यहाँ पे जारी है, और कहा जा रहा है कि इसके तहत जो लोग इन मकानों में रह रहे थे उनको सरकार बकायदा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो आवास भी दे रही है, यानी कि जो लोग इस इन इलाकों में थे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकानों में शिफ्ट किया जाएगा। किस तरह की पुलिस व्यवस्था की गई है वो भी एक बार तस्वीरें आपको दिखाई देते हैं कि कैसे जो है बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो डिप्लॉय किया गया है, और वो फोर्स की कोशिश ये है कि जो लोग अभी भी इन घरों में है उनको निकाला जाए, उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है बुलडोजर की वो चले ताकि जो कोई किसी को नुकसान ना हो। हालांकि ये प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी, चुनाव के बाद एक बार दोबारा इसे और तेजी लाई गई है, और लगातार जो लोग इन इलाकों में थे उनको पहले हटाया जा रहा है, लगातार इस बात का अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो लोग अभी भी बचे हुए हैं वो अपने घरों को सामानों को बाहर निकालें, और अब बकायदा वो अप्लाई भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 1800 लोगों को सरकार का दावा है कि उन्हें आवास भी दिया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से जो बुलडोजर कार्रवाई है वो अभी भी जारी है, और कहा जा रहा है कि सेकेंड फेज में भी इन तमाम जो अवैध निर्माण थे उनको गिराया जाएगा, वहाँ पे जो लोग थे उनको हटाया जा रहा है, उनको इन आवासों को गिराया जाएगा, और यहाँ पर एक तरह से इको टूरिज्म हब बनाने की जो है योगी सरकार की तैयारी है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नवभारत, लखनऊ।